रेनालापुर यूनिवर्सिटी ऑफ बोकारो में लहरी को एग्जाम के बहुत से सेमिनार का इनका किया गया। मकसद स्कॉलर्स की बैन अवी राय और इंसान को यकीनी बनाना। प्रोफेसर जूनियर साफी कहते हैं उत्साह दुर्बक तहकीक के जरिए मास्क के मसाए हल कर सकते हैं। ठट्ठा के नवानी इलाके में जमीन के तनाजे पर पुलिस मुकाबला, दो पुलिस अहलकार शहीद जबकि डीएसपी साहू और एसएचओ घायल जख्मी हो गए। शहीद और जख्मी पुलिस अफसरों को घायल होकर हेल्थ सेंटर में भर्ती किया गया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सर्च हो गई। फिरोजबारा में इंसान ने दम तोड़ दिया। सौतेली माँ ने कम से बच्चे को बदतमीज से शब्द का निशाना बना डाला। सौतेली माँ इंसानियत को यकसर नजरअंदाज करते हुए बच्चे के जिस्म को जलाते रही। कमजोर बच्चा चीखता रहा, जालिम माँ को तरस न आया। बिहारी के दानेबाग पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। गरीब वालदेन का बेटे को नशे की लत से छुटकारा दिलाने का तरीका महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामूली नशा करने वाले नौजवान को डाकू लिस्ट में डाल कर कई मुकदमान में नामजद कर दिया। मुतासिर का आईजी पंजाब से पत्तों की में तेज रफ्तार करते हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार एक शख्स मौके पर ही जा बहक। चार अपराध शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की में मुंतकिल कर दिया गया है। जा बहक होने वाले शख्स का की शनाख्त अल्लाह रखा के नाम से हुई है। और मैलेसी में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इन एक्शन। गिरा फिरोशों को भारी जुर्माने आज कर दिए गए। मुताबिक को वार्निंग जारी। दुकानों पर अशय जरूरिया और अशय खुर्दनोश की क्वालिटी और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आमिर खनी कहते हैं कि नाजायज मुनाफा खोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूँ सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि रेनाला खुर्द में ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ने तहकीक और इरशाद के मौजू पे एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया इंडस्ट्रीज़ के डीन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने बतौर मेहमान स्पीकर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में तहकीकी पैमाने सबके लिए यकसा हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर का कहना था कि माशरे में मौजूद मसाइल का हल पेश करना उसाज़ा और तुलबा की जिम्मेदारी है। सेमिनार का मकसद स्कॉलर्स की बैन अलावा जुराइद तक रसाई और इरशाद को यकीनी बनाना है। इस मौके पर पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सायरा हनीफ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से डॉक्टर सलमान बिन नईम और ओकाड़ा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मिसबाह भी मौजूद थीं। ठट्ठा के नवाही इलाके साकरू के करीब जमीन के तनाजे पर पुलिस मुकाबला, दो अहलकार शहीद, दो पुलिस अफसरान शदीद जख्मी। जमीन के तनाजे पर झगड़े की इतला मिलते ही डीएसपी साकरू गुलाम रसूल सयाह की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही सीधे फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक एएसआई और पुलिस अहलकार शहीद जबकि डीएसपी साकरू और एसएचओ घारू जख्मी हो गए। शहीद और जख्मी पुलिस अफसरान को घारू रूरल हेल्थ सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला रेस्क्यू 1122 का ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के तुलबा के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करने की तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात सियालकोट से ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग ने ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के तलबा के लिए एक रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया। इस सेशन का मकसद हादसात की सूरत में बतौर इब्तदाई मददगार बार वक्त इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करके कीमती जानों के ज़िया को बचाना है। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबद ने तलबा को बतौर इब्तदाई मददगार के फर्स्ट एड मुहैया करने की तरबियत मुहैया की, जिसमें हादसात में इब्तदाई मददगार की अहमियत और करदार, खून के बहाव को रोकना, हड्डी का टूट जाना, बेहोश मरीज, कमर दर्द, गर्दन चोट और एमरजेंसी में मरीजों की मुंतकली शामिल है।
मजीद बरा उन्होंने कहा कि हम मिलकर अपने माशरे को महफूज बना सकते हैं। किसी भी हादसा की सूरत में इब्तदाई मददगार का करदार बहुत अहम होता है। अगर वो बर वक्त अपने साहब पर काबू पाकर रेस्क्यू 1122 का कॉल करे, जख्मी शख्स को इब्तदाई तबी इमदाद मुहैया कर दे, तो यकीनन रेस्क्यू के आने तक हादसा से मुतासर की ज़िंदगी बच सकती है। तरबीती सेशन के दौरान ट्रेनिंग टीम के मेंबर मोहम्मद वसीम अली रजा लोधी भी हमराह मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी की वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वजीर खारजा ने बतौर हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया तैनाती पर जाहिद हफीज चौधरी को मुबारकबाद दी। तफसीलात इस्लामाबाद से फरहान अली की इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दो तरफा तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। तवक्को है कि बतौर हाई कमिश्नर तैनाती से दो तरफा मरासिम मज़ीद मुस्तहकम होंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने बतौर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी की खिदमात की तारीफ़ की और बतौर हाई कमिश्नर नई जिम्मेदारियाँ भी इसी तनदही से निभाने की उम्मीद जाहिर की। प्रोडक्शन टीम के साथ फरहान अली, KN न्यूज़, इस्लामाबाद। अंजमन ताजरान करी रोड सादिकाबाद के सदर और मरकजी फर्नीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सरदार साकिब का कहना है कि 74 सालों में ताजरों के साथ ऐसी ज्यादती नहीं हुई जो इस हुकूमत में हो रही है। तफसीलात रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। अंजमन ताजरान कुरी रोड के सदर और मरकजी फर्नीचर एसोसिएशन रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी सरदार साकिब का कहना है कि 74 सालों में ताजरों के साथ ऐसी ज्यादती नहीं हुई जो इस हुकूमत में हो रही है। लॉकडाउन से हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। KN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी फर्नीचर एसोसिएशन सरदार साकिब का कहना था कि इंतजामिया और वफाकी और पंजाबी पंजाब हुकूमत ने जो ताजरों के साथ ज्यादती शुरू कर दी है वो आज दिन तक इन 74 सालों में इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने ताजरों के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं की। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जुमा हफ्ता हमने एडमायर किया हुआ था कि जुमा हफ्ता लॉकडाउन होगा, जुमे को हम ऑलरेडी दुकान बंद करते थे और हफ्ते वाले दिन दुकानें बंद रहती थी, एक दिन का नुकसान होता था। पिछले एक माह से इन्होंने जुमे को छुट्टी, उन्होंने कहा बहाल करें, छुट्टी ख़त्म करके इन्होंने हफ्ता इतवार की दो छुट्टियां कर दी। आप मुझे बताएं कि हफ्ते इतवार की जब दो छुट्टियां होंगी तो वीक डेज़ में कौन सा क्लाइंट ऐसा है जो शॉपिंग के लिए आता है? आगे 8 बजे की टाइमिंग है। बात यह है कि वीक डेज़ में 6 बजे एक मुलाजमत पेशा आदमी जो सरकारी मुलाजम या प्राइवेट मुलाजम है वो छुट्टी करके घर ऑफिस से निकलता है तो वो 7 बजे घर पहुंचेगा, 8 बजे मार्केट फिर बंद हो जाती है। तो कारोबार नाम की चीज़ इस वक्त हमारे ताजरों को करना मुश्किल तरीन हो चुकी है। मैं हमने अपने फर्नीचर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की कि हम हफ्ता और इतवार का लॉकडाउन मुस्तरद करें, लेकिन उसमें हमारे ऊपर बहुत जबरी इंतज़ामिया की तरफ से एक्शन हुए, फिर दुकानें सील की गईं और उसके बाद हमें 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये जुर्माने हमें हमारे दुकानदारों को अदा किए और उसके बाद दो इस्तखासे भी दे दिए और उनको जुडिशल किया गया। मैं इस सारे मामलात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़ार साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि खुदा रहा ये मुल्क की मईशत, छोटा दुकानदार छोटा तबका है, ये मुल्क की मईशत का बहुत कलीदी किरदार इन्होंने अदा करना होता है। अगर आप इनको ख़त्म कर देंगे तो वही हालात जो आज इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा और इवन अब फ़िलिस्तीन और इसराइल में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो आप हमें उस तरफ ना लेके जाएं। अगर हुकूमत ने ताजरों का माशी कत्ल बंद ना किया तो ताजर अपना लायामल तैयार करेंगे और हर शहर में एहतजाज होंगे। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ हमीद अब्बासी, KN न्यूज़, रावलपिंडी। KPKK के वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आतिफ खान ने कहा है कि माहौलियाती सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कारोबार में आसानी और बेहतर बनाने के लिए वन विंडर बिजनेस सहूलत प्लेटफॉर्म का इनेकाद किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में इब्तदाई तौर पर 16 महकमों की खिदमात ली जाएंगी।
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान का कहना था कि सूबे भर में 25,000 नौजवान मर्द और ख्वातीन को डिजिटल कारोबार के काबिल बनाने के लिए पेशगी डिजिटल तरबियत और महारत फराहम की जाएगी, जिस पर 3 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर को फ़रोग देने के लिए जल्द ही 3 खसूसी टेक्नोलॉजी जोन मुकम्मल किए जाएंगे। सियाहत और डिजिटल रबते को मज़ीद फ़रोग देने के लिए इंटरनेट सर्विस का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर KPITB और JS बैंक के माबैन मुफाहमत की एक याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। तकरीब में KPK के सूबाई वज़रा ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन काकस MPAs माहिर तालीम KPITB के अमला और JS बैंक के नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। MD KPIT ने भी साहबजादा अली महमूद ने मेहमान और शुरका को खुशामदीद कहा। पेशावर पुलिस की कार्रवाई, टाउन और तहलकार जैसे पोश इलाकों में सरगर्म डकैत गिरफ्तार। SP कैंट की सरबराही में DSP टाउन अरब नवाज, SHO थाना टाउन जावेद खान और SHO थाना तहलकार शकील खान पर मुश्तमिल टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक का ताल्लुक पारा चनार जबकि दूसरे का ताल्लुक पेशावर से है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ हुआ। मुलजमान के कब्जे से 68 तोला सोना और 52 लाख रुपये भी बरामद कर लिए गए। माल मसरूका फरोख्त करने के औज खरीदे गए। फ्रीजर्स, एयर कंडीशनर समेत दीगर मुतफरिक घरेलू सामान भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। फिरोजवाला के इलाके इस्लाम नगर में इंसानियत दम तोड़ गई। सिफाक सोतेली मां ने जुल्म की इंतहा करते हुए कमसुन बच्चे को घर आने में देर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। सोतेली मां इंसानियत को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बच्चे के जिस्म को गर्म इस्तरी से जलाती रही। कमसुन बच्चा चीखता रहा, जालिम मां को तर्स ना आया। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर हमसाए से बर्दाश्त ना हो सका तो वीडियो बनाकर मीडिया को भेज दी, जबकि हमसाए के सामने जालिम मां खौफजदा बच्चे को गर्म पानी में गिराने की धमकी देती रही। विहाड़ी में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मलिक गुलाम मुर्तजा ने बाकायदा चार्ट संभाल कर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़िला विहाड़ी में स्पोर्ट्स का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, जिसे अब निखार कर ऊपर लाया जाएगा। जल्द ही ज़िला भर के तमाम हाई स्कूलों में स्पोर्ट्स परेड के साथ खेलों के ग्राउंड भी आबाद करने जा रहे हैं। विहाड़ी में नए बनने वाले 3 फील्ड लाइट स्टेडियम PCB ने पास कर दिए हैं, जहां डोमेस्टिक लेवल के मैच बआसानी खेले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यहां विहाड़ी सुपर लीग मुनक्किद होने जा रही है, जो डे और फ्लोड लाइट में खेले जाएंगे। पत्तों की GT रोड पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार कंटेनर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। खौफनाक हादसे के बायस रिक्शे में सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। नाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अल्लाह रखा के नाम से हुई, जो भोने की गांव का रिहायशी है, और मुकामी पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना कोट चट्ठा की हदूद बस्ती वजावाला में हुजाम की दुकान पर मामूली तकरार पर गोलियां चल गई। मुलजमान राजा गाड़ी एहसन भट्टा ने अपने साथियों के हमराह फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस थाना कोट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवाह में चोर डाकू बेलगाम हो गए। चोरी डकैती राहजनी की भर्ती वारदातों के बायस अवाम अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए। पुलिस के साथ शहर की सियासी और ताजर क़यादत भी अवामी तनकीद की जद में आ गई। तफसीलात हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट। हारूनाबाद और गिरदनवा में दिन दहाड़े लूटमार की बढ़ती वारदातों में शहरी लूटने लगे। पुलिस इन पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। पंजाब का बदकिस्मत इलाका, जो कभी 3-3, 4-4 वजारतों का मस्कर रहा है,
शहर की तमाम सियासी क्यादत में क्रेडिट की दौड़ में डाकुओं के रहमो करम पर है। शहर में चोरी डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातें इंतहा को पहुंच गई, जबकि इन वारदातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से शहरी दिन दिहाड़े मसरूफ तरीन मार्केटों और बाजारों में भी डाकुओं के हाथों लूटते दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से तो अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी खौफ आने लगता है, जबकि शहर के अक्सर तबके जिनमें मुख्तलिफ अंजमने शामिल हैं फिलहाल जुबानी जमा खर्च में मसरूफ हैं, जबकि सिविल सोसाइटी की तरफ से इनफरादी आवाजें एहतजाज करती दिखाई दे रही हैं। शहरी पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि अपने मातहत मुलाजमीन की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए इनकी कीमती जानो माल को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। शेखपुरा रोड पर मोटरसाइकिल सांस फैक्ट्री का लोडर ट्रॉलर बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गया। आग लगने से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया और रेस्क्यू अहलकारों के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा ट्रॉलर ड्राइवर की गफलत और लापरवाही से पेश आया। मैलसी में हकूमती विजन और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मुबीन इलाही की खसूसी हिदायत, प्राइस कंट्रोल अफसरान इन एक्शन। दो कोटा, टिब्बा सुल्तानपुर, मथुरो समेत बिहाड़ी के दीगर इलाकों के दौरे, रेड लिस्ट अवेजा ना करने और गिरा फरोश दुकानदारों को भारी जुर्माने भी किए गए, जबकि मुतहद्दिद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सब्जी, करियाना और फ्रूट्स की दुकानों को भी चेक किया। दुकानों पर अशियाए खुर्नोश की क्वालिटी और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर आबिदा हनीफ का कहना था कि आवाम को मियारी अशियाए खुर्नोश की कंट्रोल रेट पर फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिहाड़ी में दानेवाल पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। गरीब वालिदैन का बेटे को नशे की लत से छुटकारा दिलाने का तरीका महंगा पड़ गया। दानेवाल पुलिस ने मामूली नशा करने वाले नौजवान को डाकू लिस्ट में डालकर कई मुकदमात में नामजद कर दिया। गरीब वालिदैन अपने बेटे की रिहाई के लिए दर बदर के धक्के खाने लगे। मुतासरीन ने IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से नोटिस लेते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। DPO मोहम्मद फैसल कामरान की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी मुनाकिद करने का तसलसल जारी है। DPO ने 61 शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। तफसीलात बहावलपुर से फैसल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इनाम गनी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जुनूबी पंजाब कैप्टन अटैच जफर इकबाल वान को आवाम की बर वक्त मेरिट पर इंसाफ की फरहमी की पॉलिसी के तहत जिसके पुलिस अफिसर भारपुर मोहम्मद फैसल कामरान ने खुली कचहरी के जरिए शहरियों को मसाइल हल करने का सिलसिला जारी रखा। शहरों के मिसाइल तरजीह बनाने पर हल किए जाने लगे, जिसके नतीजे में 61 शहरियों ने खुली कचहरी में शिरकत करके अपने मसाइल पेश किए। DPO ने मुसलसल आखिरी शहरी की दरख्वास्त तक सबके मसाइल सुनकर फौरी और मुतलका अफसरान को ऑनलाइन कॉल करते हुए कार्रवाई और तहकीकत करने के काम जारी किए। 3 शहरों ने अपने हकीकी बेटों के खिलाफ नाफरमानी और तशद्दुद की शिकायत की, जिस पर DPO ने SHO को तहफ़ वालदैन आर्डीनेंस 2021 के तहत कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया, जबकि सरकार यजमान और सरकार अहमदपुर शर्किया की कई दरख्वास्तों पर मुलजमान की गिरफ्तारी न करने पर DPO ने SDPO को बर वक्त मुलजमान को गिरफ्तार करने का टास्क दिया। इसी तरह थाना सिविल लाइन से मुतलक डकैती के मुकदमे परागस न होने की शिकायत पर DPO ने SHO और TCC अफसर को जवाबदेही के लिए तलब किया, खुद इस मामले की तहकीकत करने का फैसला किया। इस मगर DPO भारपुर मोहम्मद फैसल कामरान ने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करते हुए किसी भी शहरी की तरफ से पुलिस के अदम तावन की शिकायत काबिल बर्दाश्त नहीं है, कामें भी तभी मिलती है जब अफसरान नेक नीति से अपनी कोशिशें करें और फराज बखूबी नभाएं। कैमरामैन खुरम शाद के साथ फजल जुवेद खान, कोहिनूर न्यूज, बावलपुर। समात हल्का PK8 तरक्की की जानिब गामजन। हल्के में अरबों रुपए के फंड से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। रोनियाल में सड़क पर काम तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। सड़क बनने के बाद सियाहत में इजाफा होगा। तफसीलात ब्यूरो चीफ अपर सवात अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट। सवात बर में तरक्की का सफर रवा दवा। हल्का PK8 जो के सूबाई वजीर लाइफ स्टाइल मुहिबुल्ला खान का हल्का है, तरक्की की जानिब गामजन है। हल्के में अरबों के फंड से तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू है। गांव रुणियाल ताजा मेरा रोड पर काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस रोड पर मुहकमा CNW की निगरानी में काम शुरू है और बहुत जल्द तकमील तक पहुंच जाएगा। मुकामी लोगों ने इस मौके पर कोहिनूर न्यूज को बताया कि मौजूदा हुकूमत ने हमारे साथ तब्दीली का जो वादा किया था
पूरा होने के करीब है। इससे पहले हमारे इलाके को किसी ने तवज्जो नहीं दी, हमसे वोट लिया गया और फिर गायब हो गए। मुहिबुल्लाह खान, मुराद सईद और वजीर आला महमूद खान के अवामी सोच से हमारा इलाका तरक्की की जानिब गामजन है। मकामी लोगों ने कहा कि मुहिबुल्लाह खान एक अवामी लीडर है और उनको अवामी मसाइल का बखूबी अंदाज़ा है और वह हर वक्त आवाम से रबते में होते हैं। ज़िंदगी में पहली बार हमें अपने वोट की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि वोट से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं जब टीक बंदी का इंतखाब किया जाए। मकामी लोगों ने कहा कि हमारे इलाके का सड़क बहुत ख़राब था और ख़राब सड़क की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना था, लेकिन मुहिबुल्लाह खान ने हमारे इलाके के लिए सड़क मंजूर की और काम का आगाज़ हुआ और महकमा CNW की निगरानी में बहुत जल्द तकमील तक पहुँच जाएगा। सड़क बनने के बाद हमारा इलाका तरक्की की जानिब गामजन हो जाएगा। यहाँ पर सयाहत में इजाफा हो जाएगा और मुकामी तौर पर रोज़गार में भी इजाफा हो जाएगा। हम बेहतरीन काम पर महकमा CNW के तमाम स्टाफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने सड़क पर आला मयार का काम किया। अब इंशाल्लाह यहाँ पर खुशहाली आएगी। ये है नया पाकिस्तान जिसका वादा हमसे किया गया था। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, रोनियाल, स्वात। लकी मरवत के ज़िले तालीमी सरबराह ज़हूर खान का सरकारी स्कूल में तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा कि तालीमी याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमें बच्चों पर तवज्जो देना होगी। तफसीलात शरीफुल्लाह मरवत की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल गजनी खेल में मुनाकिद तकरीब में तलबा ने मिली नगमे गाए टेबलेट्स पेश किए और अपनी तकरीरों में तालीम की अहमियत और असातेज़ा का माशरे में वक़ार और मकाम उजागर किया। स्कूल के प्रिंसिपल वरेस खान का कहना था कि उन हर तलबा की दिल जुई ज़रूरी हैं, इससे उनकी साथियों में आगे बढ़ने की तहरीक पैदा होती हैं, जबकि ऐसी तकरीबात बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए असातेज़ा और वालिदैन को मिल बैठकर सोचने के मौके फरहम करती हैं। DO ज़हूर खान ने एग्ज़ाम की पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात और ट्राफियाँ तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सरकारी स्कूल हर किस्म की बुनियादी सहूलतों से लेस और यहाँ ज़ेर तलीम तलबा किसी से पीछे नहीं। ऐसे ही स्कूलों से फारिग़ुल तहसील तलबा आज मुल्क व कौम की खिदमत में पेश पेश हैं। असातेज़ा बच्चों को तराश कर हीरे बनाए जबकि बच्चे वक़्त ज़ाया किए बग़ैर तमाम तरदियान पढ़ाई पर दे ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क व कौम की बाग दौड़ संभालने की काबिल हो सके। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह, कोहिनूर न्यूज़, लकी मरवत। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का चनाब कॉलेज जंग और ट्योटा कॉलेज चनोट रोड का दौरा। पटवारी की सीटों पर भर्ती के सिलसिला में टाइपिंग टेस्ट का जायजा लिया गया। तफसीलात जंग से जावेद इकबाल गवानस की इस रिपोर्ट में। जंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने पटवारियों की भर्ती के हवाले से टाइपिंग टेस्ट का जायजा लेने के लिए चनाब कॉलेज जंग का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू शाहिद अब्बास जोया, असिस्टेंट कमिश्नर जाफर, प्रिंसिपल चनाब कॉलेज मेहदी हसन और दिगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने चनाब कॉलेज में बनाए गए टेस्ट सेंटर का तफसीली जायजा लिया और तमाम तर इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। जहां की हमारे पास 3000 एप्लीकेशंस हैं और उनकी सीट सबसे ज़्यादा है 90 के करीब, उनकी सीट से 91 उनकी सीट से, तो वो भी इसी तरह लैब वन और लैब टू में चनाब कॉलेज में हमने उनके टेस्ट रखे हैं और बाकी तहसीलों की चूँकि तादाद कम थी तो वो हमने टैप कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी 100% कोशिश है कि मेरिट के ऊपर जो है यहाँ पे सिलेक्शन। और मुझे उन्होंने कहा है कि आपके लिए आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, आप घर जाकर रेस्ट करें। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसा चल रहा है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ADC साहब मौजूद थे, AC साहब मौजूद थे, उनकी ज़ेर निगरानी हमारा टेस्ट लिया गया है। कोई दो नंबर नहीं, ये सब झूठ और फ्रॉड है और लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इस मौके पर यह भी बात सामने आई कि हुकूमत की जानिब से कंप्यूटर की स्पीड 40 मांगने पर उम्मीदवारान की तादाद सेंटर टाइपिंग टेस्ट पर बहुत कम दिखाई देती है। जिले इंतजाम जंग का यही कहना है कि पटवारी को भर्ती मेरिट पर की जा रही है। जुवेद बगवास, ओहेनून न्यूज़। DIG मालाकंड अब्दुल गफूर आफरीदी ने बाजोड़ का एक रोज़ा दौरा किया जहां उन्होंने तरबियत हासिल करने वाले पुलिस अहलकारों के पासिंग आउट परेड की निगरानी की, जबकि तरक्की पाने वाले 160 पुलिस अहलकारों को अगली पोस्टों पर तरक्की के बैजेस लगाए। तफसीलात बाजोड़ से एहसानुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। DIG मालाकंड अब्दुल गफूर आफरीदी ने बाजोड़ का एक रोज़ा दौरा किया। पहली फुर्सत में उन्होंने पुलिस शहादा की यादगार पर हाजिरी दी और पुल चढ़ाई।
इस मौके पर तरबियत हासिल करने वाली पुलिस ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। जबकि सिविल कॉलोनी जरगा हाल में पुलिस प्रमोशन के मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तरक्की पाने वाले अहलकारों को मुबारकबाद देकर उनकी कुर्बानियों को सराहा। इस मौके पर 98 अहलकारों को ASI, 40 को SI और 21 अहलकारों को इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की के बेजेज लगाए गए। तकरीब से सूबाई वजीर अनवर जेब खान, MNA गुलदाद खान, डिप्टी कमिश्नर इफ्तिखार आलम और DPO अब्दुलसमद खान ने भी खिताब किया। एहसानुल्ला खान, कबायली जिला बाजोड़। कोहिनूर ऑफिस मोरो में सियासी और समाजी शख्सियात की आमद, आवाम की आवाज आला एवानों तक पहुंचाने पर हौसला अफजाई की गई। तफसीलात मोहम्मद अमीन चौहान की इस रिपोर्ट में। मोरो शहर के सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा शाहनवाज सिंधी, अमीन कलोरो, जगदेश कुमार ने कोहिनूर न्यूज़ ऑफिस में कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अमीन चौहान और उनकी पूरी टीम को हक सच लिखने और गरीब मिस्किन लोगों का आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाने पर उनकी हौसला अफजाई के लिए फूलों के हार समेत मिठाई भी पेश की गई। इस मौके पर साफी अली अकबर कलोरो, साफी सादिक अली जरदारी, माजिद अली सातो, मंथार अली मरी, अली दोस्त सोलंगी, नवाब अली चांडियो, रजा अली सोलंगी, नज़र हुसैन मस्तोई, तालब हुसैन खोसो, वकार अली कलोरो और दीगर मौजूद थे। कौम परस सरबरान का इस मौके पर कहना था कि मोरो शहर में नौजवानों का अहम किरदार रहा है, जो अपने शहर और गिरदो नवा के इलाकों के मिस्किन गरीब लोगों का आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाने के लिए हर वक्त गोशा हैं। इन नौजवानों ने शहर के बड़ी बड़ी माफियाज के गंदे धंधों समेत शहर में चलने वाली आंकड़ा पर्ची, जुआ, शराब और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ ना सिर्फ अपने कलम से लिखा है बल्कि कई मरतबा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए गए हैं। इन नौजवानों को कई माफियाज का सामना भी करना पड़ा है, जो हक और सच सुनने से कासिर हैं और इंतजामिया से मिलकर उन पर झूठे मुकदमात समेत झूठी प्रोपेगंडा भी करवाते रहे हैं। मगर हम अपने कौमी हीरोज़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में इनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे अपने कलम की मदद से हर गरीब मिस्किन का आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन चौहान, कोहिनूर न्यूज़ मोरो। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।